गंभीर ने हार्दिक को हटाया, इस चैंपियन खिलाड़ी को टीम इंडिया का नया T20 कप्तान बनाया। ये वीडियो आप 20 सेकंड स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले ली थी और टीम इंडिया का नया कप्तान बनाया जाना था हार्दिक पांड्या को। ये सोशल मीडिया पर बहुत खबरें गर्दश कर रही थी, लेकिन अब हार्दिक पांड्या को कप्तानी से हटा देने का फैसला किया जा रहा है। और इसके साथ कौन वो खुश नसीब है जिसको कप्तान बनाया जा रहा है जिसका नाम पहले किसी की जुबान पर ना था, आइए देखते हैं। जी हाँ, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी गिनती से इंटरनेशनल से गौतम गंभीर ने करवा दी है हार्दिक पांड्या की कप्तानी से छुट्टी। और अब कौन कप्तान बने जा रहा है देखते हैं। 20 में मिलने वाला है उसका नया कप्तान, या फिर यूं कहें मिल गया है नया कप्तान। इस तस्वीर में गौतम गंभीर हार्दिक पांड्या को केक खिलाते तो नजर आ रहे हैं, लेकिन असल जिंदगी में गौतम गंभीर ने हार्दिक के मुंह से जो मिठाई है उसको बाहर निकाल लिया। क्या हुआ है टीम इंडिया के सिलेक्शन पर, बड़ी खबर बता देते हैं। ये तो नाइंसाफी हो रही है। कोच गंभीर सेलेक्टर्स का बड़ा फैसला। जी हाँ, कोच गंभीर और जो सेलेक्टर्स हैं उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है, हार्दिक को T20 कप्तानी नहीं मिलेगी। ये जो कहा जा रहा था कि रोहित शर्मा अब चले गए तो हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के नए T20 कप्तान होंगे, तो आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या को T20 कप्तानी नहीं मिलेगी और स्काई का T20 कप्तान बनना तय। और ये जो खबर है ये PTI की तरफ से आई है। PTI आप सब जानते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वहां के जो जर्नलिस्ट है कुशान सरकार, उन्होंने खबर ब्रेक की है कि सूर्य कुमार यादव का T20 कप्तान बनना तय माना जा रहा है, जिसका नाम ही नहीं था उसको कप्तान बनाया जा रहा है। वाओ, चल रहे हैं इस पूरी रेस में और हार्दिक पांड्या कप्तान T20 के अब नहीं बन पाएंगे। 2026 वर्ल्ड कप तक स्काई को जिम्मेदारी दी जा सकती है। जी हाँ, सूर्य कुमार यादव के नाम पर गंभीर तैयार है, सिलेक्टर तैयार है और हार्दिक पांड्या बाहर। बुरी खबर हार्दिक के लिए। पहली पसंद है स्काई, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, गौतम गंभीर सूर्य कुमार यादव के बीच बहुत अच्छा रिलेशन है, दोनों KKR में पहले खेल चुके हैं और यही वजह है कि गौतम गंभीर ने सूर्य कुमार यादव का नाम दिया है और सेलेक्टर्स भी मान गए हैं। शायद इसके पीछे एक रीजन ये हो सकता है कि सूर्य कुमार यादव बड़े काम खिलाड़ी हैं, बड़े कंपोज खिलाड़ी हैं, हमने कभी भी मैदान पर गुस्सा करते नहीं देखा और उनका जो एक बॉडी है, लाइफ स्टाइल है, जो भी एक नेचर है वो काफी हद तक रोहित शर्मा से मैच करता है। देखना होगा जब कप्तान बनेंगे तो क्या दिखाएंगे। नहीं करता, हार्दिक का नेचर काफी अलग है, बड़े खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ी, और साथ ही दिक्कत है ना, गंभीर भी गुस्से वाले, हार्दिक भी गुस्से वाले। तो भाई वो कहा था ना शाहरुख खान साहब ने, हर टीम का एक गुंडा होता है और उस टीम के गुंडे तो गौतम गंभीर बन गए। अच्छा। तो बाकी उनका कप्तान कोई गुंडा नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हार्दिक को पसंद नहीं करते हैं गौतम गंभीर, ऐसी भी खबरें हैं कि हार्दिक को बहुत ज्यादा लाइक नहीं करते हैं गौतम गंभीर। हार्दिक पांड्या की उप कप्तानी भी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि अगर स्काई कप्तान बन जाते हैं तो हार्दिक पांड्या की जो उप कप्तानी वाइस कैप्टनशिप T20 से वो भी जाएगी और एक नया आपको T20 में वाइस कैप्टन मिलेगा। ये तो नहीं ठीक। 16 T20 इंटरनेशनल में हार्दिक ने किया है इंडियन टीम की कप्तानी, 16 T20 इंटरनेशनल हार्दिक कप्तानी कर चुके हैं और उनमें से हार्दिक की कप्तानी में इंडिया 10 मैच जीती है, 16 खेले इंटरनेशनल जिसमें इंडिया को 10 में जीत मिली। और आगे बढ़ते हैं, 7 T20 इंटरनेशनल में स्काई ने किया कप्तानी और स्काई की कप्तानी में इंडिया 5 मैच जीती, 7 मैच स्काई ने कैप्टनसी की जिसमें इंडिया को 5 में जीत मिली। और आपको बता दें स्काई का जीत प्रतिशत हार्दिक से ज्यादा है, एक ये भी रीजन हो सकता है, हालांकि मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा बड़ा रीजन नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से स्काई का नेचर है बड़े कूल रहते हैं, काम रहते हैं, T20 के नंबर 1 प्लेयर हैं और साथ ही हार्दिक पांड्या के साथ चोट एक बड़ा कंसर्न है, शायद इसी वजह से वो ये T20 वर्ल्ड कप में भी कप्तानी नहीं कर पाए। और BCCI सेलेक्टर और गंभीर नहीं चाहेंगे कि हार्दिक को कप्तान बना दो वो फिर इंजर्ड हो जाए और आपको फिर नया कप्तान ढूंढना पड़े। सूर्य कुमार यादव की फिटनेस पर ज्यादा सवाल कभी नहीं होते हैं, तो ऐसे में BCCI ने, गंभीर ने और सेलेक्टर्स ने एक नया रोड मैप बनाया है, हार्दिक को हटाया है और स्काई को कप्तानी वाली रेस में सबसे आगे पहुंचाया है। जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा है कि हार्दिक पांड्या के मुंह से मिठाई छीन ली जा रही है और ये मिठाई अब स्काई यानी सूर्य कुमार यादव को दी जा रही है जो कि टीम इंडिया के नए कप्तान होंगे। वो बात तो आपने सुनी होगी कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती और यही बताया जा रहा है कि गौतम गंभीर दिमाग के थोड़े से गर्म हैं और इसके साथ हार्दिक पांड्या भी हैं सख्त मिजाज के, तो इसके साथ स्काई बहुत कूल रहते हैं और ये फैसला इसलिए किया जा रहा है कि स्काई को कप्तान बनाया जाएगा। लेकिन देखना होगा कि आगे क्या होगा, स्काई को कप्तान अनाउंस कब किया जाएगा और कब नहीं किया जाएगा और हार्दिक पांड्या क्या कदम उठाने वाले हैं। जैसी नई अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मज़ीद अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।